हेलो चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस कैलकुलस मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लियर है तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कंडी सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस क्लियर है सो स्टार्ट करते हैं इक्वेश ऑफ मोशन एज वी नो देर इज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सेकेंड वन इज योर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड वन इज योर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस ओके दीज आर थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन विच वी हैव टू डिराइव विद हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से देखिएगा पहला इक्वेशन स्टार्ट करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे डिराइव करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डिराइव करने का तरीका क्या है एज वी नो एज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी यस ए नो वी हैव ऑलरेडी नो दैट आप लिख सकते हो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी हा डीवी टू ए डी टी लिख सकते हो आप लोग यस ए नो अब ध्यान से रखिएगा जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू तो जीरो है उस टाइम ऑब्जेक्ट की इनिशियल ब्लॉस्टी क्या है यू और जब टाइम इज इक्वल टू टी है मतलब टी सेकेंड के बाद जब टी वेल इज इक्वल टू जीरो टी टू इज टू टी है उस टाइम ऑब्जेक्ट वेलोसिटी बढ़ करके वी हो जाती है हाँ या ना मानते इस बात को नहीं हमने केस लिया कि वेन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट सॉरी वन ऑब्जेक्ट हमने जब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया स्टॉप वॉच लिया टाइम ज़ीरो रखा उस टाइम मैंने जो ऑब्जर्व किया कि कार की स्पीड यू है थर्टी किलोमीटर पर आवर हो ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर हो फिफ्टी किलोमीटर पर आवर हो दस सेकेंड बीस सेकंड पचास सेकंड के बाद हमने उसकी स्पीड देखी इंक्रीज करके तो इसका मतलब वो लिमिट दिया हुआ है यह टाइम के स्पीड में इंटीग्रेशन है तो इनिशियल टाइम क्या है जीरो फाइनल टाइम क्या है टी ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी क्या है यू फाइनल वेलोसिटी क्या है वी क्या समझ में आया आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को वी का इंटीग्रेशन हुआ डी का इंटीग्रेशन हुआ, हुआ वी और v की लिमिट क्या है u टू v यस या नो इज इक्वल टू यहां पे a है a को बाहर ले लोगे ठीक है dt का एंटर से t टी इसीलिए जीरो टू t है यस नो वैल्यू पुट करो यहां पे फाइनल लिमिट v की फाइनल लिमिट v ही है और इनिशियल लिमिट उसकी u है तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी माइनस जीरो आई में वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी या, या लिख सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव टू डिराइव विद हेल्प ऑफ कैलकुलस आई बात समझ में आते है सेकेंड इक्वेशन पे हाउ वी कैन डिराइव द सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन आप पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इक्वेशन यूज करो वी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी को यूज करो क्यों क्योंकि यहां पे एस है तो हमें एस वाला इक्वेशन ही लेना पड़ेगा तो डी एस इक्वल टू क्या लिखोगे वी डी टी ये वीक जब लिख सकते हो यू प्लस ए टी लिख सकते हो ये नो डी टी दिस इज इक्वल टू डी एस अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन क्या करोगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी डी टी लिमिट क्या होगा जीरो से टी जब जीरो टाइम है तो डिस्टेंस भी जीरो है और टी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एस डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एस और जीरो टू एस लिमिट रख दिया इंटीग्रेशन ऑफ यहां लिखोगे लिमिट जीरो टू टी लिखोगे प्लस इंटीग्रेशन लिखोगे ए टी डी टी लिमिट जीरो टू टी लिखोगे क्लियर है अब ध्यान से देखिएगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको यहां लिख रहा हूं एस की लिमिट हो गई जीरो टू एस यू कॉमन ले लो इसमें से यू कॉमन ले लोगे तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी यू कॉमन लिया डी टी का हो गया टी लिमिट जीरो टू टी ये यहां से ए कॉमन ले बाहर ले लोगे तो t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जब ए कॉमन लोगे तो टी डी टी टी डी क्या हो जाएगा टी लिमिट जीरो टू टी पुट कर दो सारी लिमिट की अपर एंड लोअर लिमिट अपर लिमिट एस माइनस जीरो लोअर लिमिट जीरो था माइनस कर दिया यहां अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो माइनस

थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ये सुनो हाउ वी कैन डिराइव दिस इक्वेशन आप क्या करिए ए इज इक्वल टू पता है आपको डी वी अपॉन डी टी होता है हाँ है ना लेकिन देखो इस इक्वेशन जो डिराइव करना है वहाँ टाइम कहीं नहीं है तो टाइम को हटाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर डी वी अपॉन डी एस का डिवाइड किया और डी एस का मल्टीप्लाई करके हमने एक इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश की इससे इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन देखो डीएस अपॉन डी टी होता है वी तो ये हो गया वी डी वी अपॉन डी एस बन गया दिस इज योर ए आई बात समझ में तो इक्वेशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टी गायब हो गया जब टी गायब हो गया तो हमारा काम बन गया हम क्या करेंगे यहां लिखो डीएस को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाओ तो इसे लिख सकते हो वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस क्लियर है इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट करिए कहां से कहाँ तक जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। और जब डिस्प्लेसमेंट s है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v। क्लियर है तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई टू हाँ या ना लिमिट क्या है u टू v? इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s? जिसकी लिमिट क्या है जीरो टू s यहां लिमिट पुट कर दो V square by बाई minus u square by बाई is equal to a s minus जीरो यही होगा कि कुछ और होगा आई बास में लेफ्ट हैंड साइड क्या है v square minus u square यहाँ टू को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा टू a s आ गया या लिख सकते हो अगले लाइन में हैं अगले पेज पे या आप लिख सकते हो वी स्क्वायर equal to u square plus प्लस a s Clear? Hai? So these are the methodology to derive the equation of motion with the help of calculus method. So dear students, today I am going to stop here. This is the most important equation, most important derivation, which you have to solve. Clear? Hai? So thank you, thank you so much, thank you everyone.